मोशन हाउस सर, मोशन काइनेटिक मतलब चेंज इन सर, जो चीजें मोशन में है उनकी हाँ, जो एनर्जी। काइनेटिक का मतलब हो गया इन मोशन, मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स, थ्योरी पढ़नी है ऑफ गैस, किसका, गैसियस का, मतलब आपको ऐसी थ्योरी पढ़नी है जिसमें गैसियस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में है, हमेशा किसमें है, मोशंस में। मोशन हाँ, तो जब गैसियस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया होगा पॉइंट बाय पॉइंट, इसलिए इसका नाम दिया गया है काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसियस, और यही पॉइंट सबको लिखने हैं, तो पढ़िए बेटा उसमें, पढ़ो जी बच्ची। यस सर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, सो फॉर वी हैव लर्न द लॉ दैट इज बॉयल्स चार्ल्स लॉ व्हिच आर काइट स्टेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑब्जर्वेटरी साइंटिस्ट Conducting careful event is an important aspect of scientific method and tell us how the particular system is behaving different condition. इससे कोई मतलब नहीं, सब चीजों में समझा होगा आपने, ये चीजें पढ़ लिया। एक मिनट बेटा, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है क्या आज? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? यस सर, नेटवर्क सही नहीं है क्या तुम्हारा? अरे मेरी बात तो सुन रहे बेटा, नेटवर्क सही नहीं है क्या? सही है, तो मेरी बात सुनो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें आपको बता रहा होगा कि क्या बोलते हैं, कौन कौन सी चीजें आपने पढ़नी है, किसका क्या रिलेशन था, उसमें पॉइंट दिए गए होंगे, लिखा होगा शायद, क्या बोलते हैं, पॉइंट दिए गए होंगे, 5-7 पॉइंट दिए गए होंगे बेटा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, वो मेन है, उसके ऊपर लिखा होगा अजम्पशंस ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ से पढ़ो, उसमें कुछ लिखा। हाँ पहला फर्स्ट पॉइंट पॉइंट फर्स्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल सो फॉर अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। क्या बोला, क्या समझे, एक पढ़कर रुक जाएगा। दे आर कंसिडर्ड एज मासेस डिजप्शन। एक पॉइंट पढ़ो, रुक जाओ, क्या बोला, सब लोग देख लो, सबके पास बुक होगा, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ, वो भी पढ़ के बताई कि गैसियस कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब गैस के लगभग सारे पार्टिकल्स अगर एक लिए जाए, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सारे एटम्स बराबर होंगे, नियान, तो नियान के सारे एटम्स आपस में बराबर हो गए, तो कह रहे कि सबके पास अपना आइडेंटिकल एटम्स है, मॉलिक्यूल्स होगा, डेट आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं, एंड सो फार द पार्ट ऑफ द एवरेज डेट द वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम इतना छोटा होता है कि टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में उनका वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। जैसे छोटा सा एक बात समझा दूं, जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये चाक तुमको दिख रहा होगा इतना बड़ा है, इसमें से हम एक पार्टिकल्स हटा दिए तो इसका वॉल्यूम तभी भी इतना ही रहेगा ना जी। यस सर, तो वही वो कह रहा है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो अपना वॉल्यूम होता है, अपना जो वॉल्यूम है खुद के, जो इनकी खुद की वैल्यू एक एटम की, वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, माना गया है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। और दे आर कंसीडर्स as a point mass, or it is point mass मान लेते हैं, this assumption is placed to greater the capacity of gases, यही कारण है, पूछा जाए तो यही कारण है कि हम गैसों को दबा सकते हैं बहुत ज्यादा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम गैस को, why the gas highly compressible, हम गैस को बहुत ज्यादा दबा क्यों सकते हैं,
क्यों गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या है? क्योंकि उनका जो अपना वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है सर। हाँ, नेग्लिजिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताओ, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चल बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट There is no force of attraction between the particle of gas at ordinary temperature and pressure. क्या बोला? The support for this assumption. पढ़ो. The support for this assumption come from the fact that gases expand and all the use of them. क्या बोला? जब उनके खुद का वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होता है तो हम ये मान लेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। पार्टिकल्स जो है गैसेस के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। इसीलिए यही कारण है कि गैस जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उनका टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेता है। जैसे कमरा है, इसमें हर जगह गैस मौजूद होगी। हम नहीं कह सकते गैस सिर्फ इस कोने में पड़ी हुई है, गैस इसमें हर जगह मौजूद है, होगा ना? Yes, sir. ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका टोटल, उनका जो अपना वॉल्यूम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिसके चलते उनके बीच में, जिनके बीच में लगने वाला फोर्स प्रोटेक्शन क्या हो गया? बहुत ही जीरो हो गया है ही नहीं इसमें फोर्स प्रोटेक्शन। तो जब नहीं है तो जहां मर्जी वहां घूमते रहते हैं और सारे जगह को ऑक्युपाइड कर लेते हैं। तो दो पॉइंट समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। गुड बेटा, आगे पढ़िए। पॉइंट थर्ड, पार्टिकल ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। इफ द पार्टिकल वेर एट रेस्ट एंड ऑक्युपाई फिक्स्ड पोजीशन, देन द गैस वुड हैव हैड अ फिक्स्ड शेप व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व्ड। क्या बोला? पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। कांस्टेंट और रैंडम मोशन मतलब जहां मर्जी वहां मोशन करते हैं, लेकिन वो भी कांस्टेंट में। कांस्टेंट का मतलब एक बराबर स्पीड से जाएंगे, एक बराबर स्पीड से सब जा रहे हैं। ये नहीं कि उसमें कोई बहुत तेजी से जा रहा होगा, बहुत धीरे धीरे जा रहा होगा। लगभग मतलब ये सबकी स्पीड लगभग एक बराबर होगी, धीरे धीरे रैंडम मोशन करते रहते हैं, जहां मर्जी वहां जाते रहते हैं वो पार्टिकल्स। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। इसको ठीक से समझना बेटा। कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि, जैसे कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कंटेनर हो गया, इसमें मान लीजिए पांच पार्टिकल्स लिए गए, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दो, मान लीजिए चार ही पार्टिकल्स मैंने लिया है, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो कांस्टेंट स्पीड में गया होगा। मान लीजिए आपने इसकी स्पीड को V1 मान लिया, तो ये कोई जो नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी V1 स्पीड से जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जहां तक जा रहा होगा, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रही होगी, जिसको मैंने V2 मान लिया। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि V1 इक्वल टू V2, ये कभी नहीं हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? किसी कंटेनर में पांच पार्टिकल्स हैं तो उन पांचों की स्पीड अलग अलग है। अगर एक अगर अलग अलग होते हैं नहीं तो कभी टकराते ही नहीं आपस में, इसलिए टकराते हैं। सर, हाँ बेटा बोलो। सर, जब पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, उससे भी तो उनका स्पीड चेंज हो सकता है ना? अरे रुक ना रे बेटा, तेरे को पूछने के लिए बोला, मैं क्या बोलता हूँ? इतना महीने से पढ़, एक महीना तो हो गया, मैं तुमसे बोला ना कि मेरे से क्या नहीं किया जाता है, पूछा नहीं जाता है, बोला हूँ ना? बोलिए। यस सर। तो फिर तो मेरे से क्या नहीं किया जाता है, पूछा नहीं जाता बेटा, टेंशन मत लेना। जब मैं बोलूंगा टॉपिक खत्म हो गया तो जो पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? बीच में नहीं रे बेटा, अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है? समझी मेरी बात को?
यस सर। चलो थोड़ा वेट करो ना। चलिए तो रैंडम मोशन होता रहता है। अब वो कह रहा है कि अगर वो फिक्स पोजीशन पे होता और रेस्ट कर जाता तो उसका वॉल्यूम और मास फिक्स हो जाते, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व हम करते नहीं है। ये बताओ कि तीन पॉइंट में किसी को डाउट है? क्लियर हुआ? यस सर। फोर्थ पॉइंट पढ़ो। फोर्थ पॉइंट पढ़िए। पढ़ो जी। पॉइंट फोर, पार्टिकल ऑफ अ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस अ रिजल्ट ऑफ कोलाइजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्या बोला कि पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, कभी भी जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में, याद रखिएगा। बस समझ में आया? ये नहीं कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, एक पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया। और कुछ थर्मो पावर से ये पढ़ा रहा है कि सर क्या कौन क्या बोला जी? बैकग्राउंड है सर। अच्छा बैकग्राउंड है। तो अगर कोई एक पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है तो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, उसको जाना होगा तो स्टेट में जाएगा। स्टेट में जाने का ऐसे हो सकता है पहले यहाँ गया होगा, जहां तक हो जाएगा स्टेट में वो फिर यहाँ आया होगा, ये हो सकता है, फिर वो यहाँ से इस पॉइंट पे गया, ये हो सकता है, लेकिन वो जाएगा किस मोशन में? स्टेट में ही। कर्व बना के नहीं जाएगा, समझ में? या तो ये से भी वो डायरेक्टली गया हो या कहीं घूम के जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब भी जाएगा तो स्टेट में ही जाएगा, जहाँ से घूमेगा स्टेट में ही घूमेगा। इसलिए कहा गया है कि आपस में टकराते हैं और जो ये कंटेनर है इसके वॉल से भी टकराते हैं। तो मैं पहले ही बताया था, अब वो क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर पे फोर्स नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? फोर्स। फोर्स हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? प्रेशर। तो क्यों प्रेशर अप्लाई करते हैं? क्यों नहीं फोर्स अप्लाई करते हैं? क्यों नहीं फोर्स अप्लाई करते हैं? प्रेशर ही क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है यार, ये अगर कंटेनर है स्ट्रेट लाइन, क्या मैं पढ़ोगे यार, ये कंटेनर है तो इस कंटेनर का अपना क्या होगा? एक एरिया होगा और टकरा रहा है परपेंडिकुलर, तो एरिया और फोर्स मिलके क्या बन जाएगा? प्रेशर ना। मॉलिक्यूल अगर टकरा गया, टकराएगा तो कहीं एक एरिया पे तो टकराएगा, तो दो क्वांटिटी तुरंत हो जाती है, फोर्स और एरिया, तो दोनों मिलकर क्या कहलाता है? प्रेशर। प्रेशर रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? प्रेशर। लगाता फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स किस पे लगता है? किसी एरिया पे। इसलिए रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है गैस के द्वारा वो क्या है? हमारा प्रेशर है। प्रेशर। समझ में आया? यस सर। अब जो और वो जो तुम पूछ रही थी बेटा, अगला जो तुम पूछ रही थी वो अगला पॉइंट है, पढ़ो उसको। पॉइंट फिफ्थ, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। रुक जाओ रुक जाओ आफ्टर द कोलिजन। अरे सुन रे, इसको सुनाई कम, तुमको सुनाई कम नहीं देता है जी? यस सर, सुन रहे हैं। चुप रहो। तो देखो साफ साफ कह रहा है। ओ सर, मैं चुप हो जाती हूँ और ऑडियो चलता रहता है। अच्छा सॉरी। तो देखो साफ साफ कह रहा है कि गैस ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, सॉरी कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है आर परफेक्टली इलास्टिक। पूछेगा ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक, का मतलब क्या है? तो देखो साफ साफ लिख रहा है कि दिस मींस दैट, इसका मतलब ये है दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, टकराने से पहले और टकराने के बाद, द कोलिजन रिमेन्स सेम, हमेशा एक बराबर रहती है। इस तरीके से टकराते हैं। अब पूछो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, पढ़ ली? यस। हाँ, तो कभी भी टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। जब वो लॉस नहीं करेंगे वो अलग बात है कि उसकी स्पीड एक की कम रही होगी एक की ज्यादा रही होगी। मैं पहले ही बोला कि गैस के पांच मॉलिक्यूल्स है तो पांचों अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं,
लेकिन एक पार्टिकल जितना दूर जा रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, समझ में आया? उसकी स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, अगर दो ही पार्टिकल्स मान ली, मान लो दो पार्टिकल्स, सपोज करो मान लीजिए दो ही पार्टिकल्स है चल रहा है, ये मान लीजिए V1 है और ये V2 है, मान लीजिए V2 इज ग्रेटर देन V1 है, मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये V2 है और ये V1 है, इन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग है। तो जब दोनों की स्पीड अलग अलग है तो पार्टिकल्स इसके पास अपना मास होगा m, V1 मान लो इसके पास मास होगा m2, और जब मूव कर रहे हो तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, जब दोनों पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे तो ये अलग हो सकता है कि जब इसकी एनर्जी कम है तो टकराने के बाद अब इसकी एनर्जी बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए, जो रिजल्टेंट आएगा, जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। तो टकराएंगे तो जिसकी एनर्जी ज्यादा रही होगी वो अपनी एनर्जी को कम कर लेगा, उसका कम रहा होगा वो अपनी एनर्जी को ज्यादा कर लेगा, लेकिन जो इनका टकराव के बाद एनर्जी का सम आएगा वो हमेशा सेम आएगा, इक्वल। इसलिए बोला है कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है, ठीक जी सर? अब बता तेरे को पूछने जरूरत पड़ी होती, नहीं पड़ी होती ना, चुपचाप पढ़ के सुनती तो तुमको पूछने जरूरत पड़ी होती, नहीं पड़ता, मैं बताता नहीं तुमको, इसलिए कहता हूँ बेटा जो तुम लोग दिमाग में आ रहा हो सब दिमाग में है, टेंशन मत लो, सब मिलेगा, थोड़ा वेट करना सीखो। हाँ, क्वेश्चन पूछो ऐसा जो थोड़ा अच्छा लगे मेरे को भी, ये सब तो उसी में दिया है, उसी को बताना है नया क्या करना है, बट चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा, चल बुरा मत मानना, ठीक है? हेलो सर, चलिए तो अब उसके आगे पढ़ो पूरा, मैं सिर्फ रिमेन सेम तक पढ़ा था, उसके आगे पढ़िए, लिखा होगा देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन, यस सर, देयर मे बी एनर्जी बिटवीन कोलाइड मॉलिक्यूल, देयर इंडिविजुअल एनर्जी इज चेंज but the sum of them remain constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecule will stop and gases will settle down. This is contrary to what is actually observed. अगर जो आपने कहा था, वर्ड पर ध्यान देना, जो आपने कहा था अगर ऐसा होता है कि टकराने से उनकी एनर्जी कम होती, टकराने से अगर उनकी एनर्जी कम होती तो उनके मालिकूल धीरे धीरे रुक जाते, तो दिस इज अ कंट्रेरी टू व्हाट आर एक्चुअली ऑब्जर्व्स, तो ये ठीक उसका विरोधाभास है, ठीक उसका उल्टा है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम हमेशा पाते हैं कि गैस के मालिकूल चलते रहते हैं, लेकिन आपने जिस कंसेप्ट को सोचा अगर ऐसा होता तो वो मालिकूल्स क्या हो जाते, सेटल डाउन हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बात सही है कि किसी मालिकूल की एनर्जी बहुत घट रही होगी, टकरा रहा होगा तो, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि ऐसे मालिकूल से टकरा जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तुरंत, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक उसमें एनर्जी रहेगी तब तक वो मोशन करता रहेगा, मतलब किसी पार्टिकल्स की एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, नहीं होती, नहीं होगी, हाँ, वो भी तब जब वो मोशन में है पहले से, वो भी गैस की बात हो रही है। अरे आपका खाना खत्म नहीं हो जाता है ये बताओ तो आपकी एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी? हो ही जाएगी यार, लेकिन बात यहाँ पे किसकी कही जा रही है? गैसियस मालिकूल्स की कही जा रही है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ थ्योरी सबके लिए होगा, कोई चीज खत्म ही नहीं होती, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए सर, तो इसमें फिर क्यों इनके मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा? क्या कह रहा है बराबर नेटवर्क सही करो यार, आवाज नहीं आ रहा। अरे बोल रहे बेटा, क्या बोला तू?
सर जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तो उनमें एक्सटर्नल एनर्जी होगा, उनमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हाँ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। हाँ, तो वहां से एनर्जी तो उसकी चली जाएगी ना, वहां से एनर्जी चली जाएगी। हाँ, तो बोल रहा है कि अरे तो एक का घटेगा दूसरे का बढ़ेगा तो सम तो वही आएगा, 2 × 3 कितना होगा? 2 × 3 कितना होगा ये बताओ? 8। 2 × 3 8। गजब साला। 6। 12 मैथमेटिशियन बा। कितना होगा जी बेटा 2 × 3? 6 सर। 6 सर। 3 × 2 अरे एनर्जी मेरी ना घटी यार, मेरी एनर्जी घट गई लेकिन मेरा सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है तो मेरी आज घटी है, मैं किसी से टकरा जाऊंगा मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी बस, क्योंकि मैं रेस्ट में तो हूं नहीं ना, मोशन कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं टकराऊंगा जब टकराऊंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी मेरी। तो कहाँ टकराएंगे? कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। अब जिस कंटेनर में रख दिया जाए, सपोज आई एम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मेरे कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए कि मैं गैस का मॉलिक्यूल्स हूँ तो मैं जहाँ मूव करूंगा उसे टकराऊंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी मेरी, कभी घट जाएगी मेरी, डिपेंड अपॉन कंडीशंस कि मेरे टकराने वाला मेरा मॉलिक्यूल्स कैसा है, उसकी खुद ही एनर्जी मेरे से कम होगी जब वो मेरे से टकराएगा तो मेरी एनर्जी ले लगा ना जी। yes, sir. अब इसमें क्या नहीं सोचना रे बेटा, एनर्जी एक्सचेंज हो जा रही तो होगी ही होगी, बदलेगी, इसी पर ना पढ़े होंगे आप, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम इसी पर, तो फिर लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो बस वही चीज है यार। कम होने का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी और एनर्जी में बदल गई, हो सकता है टकराने पर साउंड प्रोड्यूस हुआ हो, साउंड एनर्जी में चली गई, हो सकता है कुछ देर रुक गया हो तो वही काइनेटिक पोटेंशियल में चला गया होगा तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बस। कम होने का मतलब क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी थी वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गई और क्या, समझ गए? चेंज हो गई। यस सर। चलिए तो इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, मैं पहले बोला नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जी, धीरे धीरे पढ़ना, थोड़ा सुनती रहना, जब कहूंगा रुक जाओ तो रुक जाना, चलिए पढ़िए। सर हम रुक जाते हैं और बेटा चलता रहता है। ओके बेटा, थैंक यू, जाने दो, सॉरी भाई, ठीक है नहीं बोलूंगा मैं, चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, चलिए सर पढ़ रहे हैं। 0.6 at any particular time different particles in the gas have different speed and has different kinetic energies. बस रुक जाओ, इसका क्या मतलब, इसका मतलब वो क्या बोला, वो साफ साफ लिख रहा है कि at any particular time, आप किसी भी टाइम पे देखो तो different particles, जितने different particles हैं इन द गैसेस, गैस में है तो डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड ही अलग अलग है, जब स्पीड अलग अलग है, मास सबकी सेम है तो एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी, एंड हैज द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, दिस असम्पशन इज रीजनेबल बिकॉज एज द कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइड्स, और यही कारण है कि सभी गैस के पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, पहले ही बता दिया था तुम लोग को, अगर सबकी स्पीड एक बराबर होती, सभी एक बराबर स्पीड से जाते तो कोई टकराता नहीं बेटा, कोलाइड होता ही नहीं, सबकी स्पीड्स अलग अलग है इसलिए सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, कोलाइड होते हैं। हाँ, तो वही सब लिखा होगा, और कुछ, और कुछ न्यूज पॉइंट में, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है, उनकी स्पीड अलग अलग है तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी इसलिए वो कोलाइड करते हैं। चलिए पढ़िए जी, अब पूरा पढ़ खत्म कर दो, अब उसमें नहीं है कुछ भी। हाँ, we accept their speed to change even
इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल वॉज सेम वॉज यूनिफॉर्म इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल वॉज सेम The molecular polarization will disrupt uniformity. Constantly, the particle must have different speed, which go on changing constantly. It is possible to show that though the visible speed all change, the distribution of speed remains constant at a particular temperature. Good. Last one, सबसे तो important है. इसका प्रूफ पढ़ना है आप लोग को, भले पॉइंट में दिया लेकिन इसका प्रूफ होता है, पढ़िए क्या कर रहा है. पॉइंट सेवन पढ़े ना. हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, रुको मत, अपने टाइम नहीं है. पॉइंट सेवन, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी. पढ़िए पढ़िए. Under this circumstance, we can talk only about average kinetic energy. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. बस बेटा बस, thank you so much. बस यहीं तक काम खत्म हो गया. अब सब लोग ने देख लिया, देखो साफ कह दिया कि जब भी कोई भी इंसान काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो समझ लेना को बात हमेशा किसका कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का. एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम इस बात को जानते हैं कि सभी गैस के पार्टिकल, तो इसलिए मैं हमेशा बात गैस से करूंगा, गैस के मालिक उसका मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है, उनके मास सेम होंगे लेकिन उनकी एनर्जी अलग अलग है. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले मालिक एनर्जी इतनी है दूसरे की इतनी है, मैं टोटली मिला करके एक ही बार क्या बोलूंगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है. इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ. जी हाँ, और ये देखा गया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसियस में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसियस में देखा गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज मान लीजिए के ई बार, सपोज करो के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, बार का मतलब एवरेज हो गया. इसका रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है बेटा. इसको प्रूफ करना पड़ता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, हाँ कैपिटल टी के साथ. ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. और सारे डिस्कशन आपको साइड बुक में दिए गए होंगे, याद रखिएगा, इसको बताना पड़ेगा. जब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दिया और इसी एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है साइड बुक में, इसलिए साइड बुक थोड़ा मोटा हो रहा है लोगों को दिख में. हर एक पॉइंट इसमें मिलेगा एनसीईआरटी में, और उसको एक्सप्लेन अगर टीचर को मालूम है तो एक्सप्लेन कर लेगा, नहीं तो उसी के लिए बच्चों से कहकर साइड बुक मंगा लो. तो मुझे साइड बुक की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी. इस बात को याद रखिएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है, तो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रोपोर्शनल होते हैं, बस समझ में आया. सो दीस आर द पॉइंट्स, दीस आर द मेन पोस्टुलेट्स, यू कैन से दैट दिस इज द मेन पॉइंट्स और दिस इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसियस. यही आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसियस के मेन पोस्टुलेट्स है हमारे, जो आपको पढ़ने थे. समझ में आया? यस सर. अब लिख जाएंगे ना जी, यहाँ तक मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख जाना है. तो एक लाइन बस लिखिएगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द मेन पासवर्ड्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर एज़ फॉलोस. इनके जो मेन पासवर्ड्स हैं वो ये हैं, और ये इनके पॉइंट्स हैं. पहला, इनका जो अपना वॉल्यूम होता है खुद के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल होता है. इनके बीच में क्या नहीं है, तो फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं. इनके गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्स्टेंट मोशन करते रहते हैं स्ट्रेट लाइन में. इनका जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है. कैसा होता है परफेक्टली इलास्टिक? व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक? उस पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? तो टकराने से पहले, टकराने के बाद की जो एनर्जी होती है सेम होती है, उसी को परफेक्टली इलास्टिक कहा गया है. ये टकराते क्यों है, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है इसलिए टकराते हैं, कोलिजन करते हैं. और इसीलिए हम हमेशा जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो हम गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यही बात कही गई है.
Are you understand? Yes, yes sir. Sir. Yes. Sir. आप बता दो कितने मिनट रह गया है बस उसके बाद सर ने जी बोलो किसको क्या पूछना जाने बेटा आराम कर ले काहे का टेंशन ले मिनट हाँ ठीक है थैंक यू थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन बेटा टेंशन मत लो बॉर्डर मत लो कोई बात नहीं है आगे की पढ़ाई कल कर दी जाएगी ठीक है यस सर यस सर क्या बेटा एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी बिफोर कोलिजन हाँ जी सर जो ज्यादा जो जो जिस जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी होती है वो कम वाले को दे देता है ना तो क्या कर रही है बेटा जल्दी बोलो टाइम नहीं जल्दी बोलो कर सकता है ज्यादा एनर्जी वो कम एनर्जी वाले को दे देता है एनर्जी अरे बेटा वहाँ पे ग्रुप ऑफ कोलिजन की बात है एक तुम पर्टिकुलर एटम को सोच रही हो अरे मेरी एनर्जी कम है लेकिन मैं जिसे टकराने जा रहा हूँ उसकी और मेरी एनर्जी को सम करो और टकराने के बाद मेरी एनर्जी का सम करो ऐसे लिया गया है इसलिए कह रहा कि कोलिजन ऑफ बिफोर एंड कोलिजन ऑफ आफ्टर समझ में आया तो और नहीं तो क्या तुम का सोच तुम सोच रही हो कि एक ज्यादा कम कैसे हो सकता है अरे दो मार्क उस टकराने जा रहे हैं तो इन दोनों की एनर्जी ले लो टकराने से पहले दोनों टकरा गए तो टकराने के बाद इनकी एनर्जी लो समझ में आया Yes, ये चीज है यहाँ पे तुम सोच रही हो कि एक एटम का एनर्जी ये गलत सोच रही हो ना तुम